क्योंकि आज हमारी मार्केटिंग की फाइनल प्रेजेंटेशन है और हम मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन रेडबुल पे कर रहे हैं और रेडबुल से ज्यादा बेटर कंपनी कौन सी होगी मार्केटिंग के लिए, तो हमने वो चूज करी है। तो आज मैं पूरा रेडबुल बन के जा रहा हूँ। तो हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि चलो सब रेड और ब्लू कपड़े पहन लेते हैं। तो मैंने रेड और ब्लू कपड़े पहन लिए। दिस इज द मोस्ट रेड एंड ब्लू आई कैन गेट एंड दिस इज द मोस्ट रेड एंड ब्लू आई हैव गॉट। तो मैं नई वाली हुडी पहन के ये मैंने अपनी हुडीज लाया हूं जो मैं इंडिया से लेके आया था, और मैंने जो ये वाली हुडी खरीदी है वो यहां से खरीदी है। तो ऑब्वियसली मेरे पास दोनों अच्छी कंपनी की है, लेकिन जो यहां पे बनी हुई हुडी है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी इन टर्म्स ऑफ कि ये ज्यादा गर्म है, इसमें ठंड उतनी नहीं लग रही है। एकदम फन फैक्ट पता लगा है मुझे, भाई ये सही में ज्यादा गर्म है। मुझे जेन्युइनली ठंड फील हो रही है भाई, हवा ठंडी ठंडी है, मेरे मुंह पे हवा लग रही है, मेरे हाथों पे हवा लग रही है, एकदम ठंड फील हो रही है। लेकिन ये हुडी की वजह से यहाँ पे कोई ठंड फील ही नहीं हो रही यार, ये हुडी सही में ज्यादा गर्म है, ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। तो आज मेरी दो सब्जेक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन है, एक मार्केटिंग के रेडबुल, तो मैं तो पता ही रेड और ब्लू बन के आ चुका मैं रेडबुल के लिए, और एक और है टेक नेबल्ड ऑपरेशन वाली, दोनों के लिए मुझे नहीं पता सच क्या बोलना है, पर मेरा ऐसे ही है, मैं स्पॉन्टेनियसली वही जाके फिगर आउट कर लूंगा क्या बोलना है। क्योंकि देखो ज्ञान तो है ही यार, ऐसा थोड़ी है कि मुझे पता नहीं है कि क्या बोलना है। मैं और अमोक कॉलेज पहुंच चुके हैं, मैं और अमोक, हम लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, यू नो लाइफ को लेके काफी डीप कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, जैसे कि मैं अपने ईयरफोन पे हो रही अपने ईयरफोन पे, पर इसके तो देखेंगे अभी क्योंकि इसने टोपी पहनी हुई है, पर हम काफी बातचीत कर रहे थे, ऐसी ही है हमारी दोस्ती। विराट कोहली ने उसे बना लिया अपना, मैम उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत दुख है मेरे जीवन में अभी। अभी हाँ, पर लेकिन वो दुख तो अलग है ना। लास्ट पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, खाना मिल रहा है यहाँ पे, खाना वाना खा लेता हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज दिस? स्टार ब्रेड। स्टार ब्रेड? या इट्स फिलिपिनो ब्रेड, इट्स लाइक शुगर ब्रेड। शुगर ब्रेड? या आई वुड हीट इट अप इन द माइक्रोवेव। एंड व्हाट इज दिस? जिंगी मेदा। दैट्स बीफ एंड ओ बीफ। ओ जय माता दी। आलू सुबह सुबह इतना सारा खाना खाना पड़ेगा मुझे, थोड़ी देर में खा लो। बंजा। बंजा? हां। सो मॉनिटर इन चाइनीज इज कॉल्ड बंजा। No. You know, Guru Randhawa made a song about it. बढ़ जा तू मेरी रानी, मैं तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। गुरु रंधावा singing a song for you, not for you. Romantic song. हमारी प्रेजेंटेशन का वक्त हो चुका है भाई, ये लोग तो पेपर वेपर पे पॉइंट वॉइंट बना के लाए। मुझे तो कुछ नहीं पता मैं अगले 5 मिनट बाद क्या बोलने वाला हूँ, कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा एक बार वहाँ पहुँच के। It's the fire drill. We're gonna get burned. I know this will take some time. हमारी प्रेजेंटेशन थी। हमारी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन अभी मैसेज आया कि फायर ड्रिल करना, सबको भागना पड़ेगा। भागो भागो आग लग गई। या या दिस इज अस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। लैपटॉप तो लेके भागूंगा मैं, बिना लैपटॉप के थोड़ी जाऊंगा मैं, एडिट कैसे करूंगा वीडियो। भागो भागो। I think we should take the lift. I think this is too close. We're gonna make fun of fire next. This was a real, if this was a real fire, we all would die. Look how long. है कि आज मैं एकदम रेड कलर पहन के आया था और एकदम फाड़ लग रहा था ना, मैंने कॉलेज ऑन फायर कर दिया है। हम बच गए, बाहर निकल आए हम, आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि देखो आग से मेरा कुछ रिश्ता नहीं है ना, मैं शिवानी हूँ। शिवानी है तू? अरे शिवा नहीं हूँ। शिवानी क्यों हूँ मैं? आग से रिश्ता नहीं है, आग से रिश्ता नहीं है ना मेरा, मैं शिवा नहीं हूँ। शिवानी आग लग गई है, इन्हें मजाक सूझ रहा है यहाँ पे। चलो मैंने अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन तो बोल दिया, अभी ये लोग गेम खेलेंगे सब आपस में मिलके, फिर मैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन भी बोल दूंगा। तो मैंने तो मस्त बोल दिया, बकबक करनी होती है, मैंने तो कर दी। गाइस हमने क्विज करवाया है, ये तीन टीम जीती है, इन्हें रेडबुल मिल रही है फ्री में। ये प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, अब रेडबुल पी रहे हैं और सबको भी पिला रहे हैं, ऐसे ही है हमारा भाई साहब, संस्कारी लोग हैं हम, बिल बांट के खाते पीते हैं सबके साथ। अब दूसरी प्रेजेंटेशन है दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिए, पर कोई नहीं, उसमें बकबक ही करनी है, बकबक ही कर देंगे और क्या बात है। ओके व्हिच वन इज द इजीियर वर्ड, शूतिया और गांडू? शूतिया और गांडू। गांडू? या व्हिच वन इज इजीियर, शूतिया गांडू? या गांडू। सो यू कैन जस्ट से इट। See what does it mean? I trust Vriti. Okay, I want to see what how it. Vriti. Yeah, Vriti should explain what is this. Is this an offensive word? Like a very offensive word? I don't know how to. No, it's not offensive. Expand. It's very casual. I don't know how it's to casual. Explain this. Okay. गुस्सा क्यों कर रहे थे? So if we break the word into words, so it's ज्ञान दूं, I'll educate you. Okay.
देखो गाइस ये हुडी में जो बैठा है एमसी स्टैन है भाई, एमबीए करने आया है यहाँ पे, एमबीए नहीं कोई तो मास्टर्स करने। हाँ तो क्या हो गया, एमसी स्टैन को हिंदी तो आएगी ही। देखो एमसी स्टैन बैठा है, ये देखो मेरा ग्रुप कितनी मेहनत से, ये भी पढ़ाई कर रही है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये याद करके क्या बोल ऐसा लग रहा है जैसे डायलॉग याद कर रही है सारे, या फिर स्कूल में जैसे पढ़ाई करते थे, सारे आंसर रट्टा मार रही है ये। और एक मैं हूँ, देखो कुछ नहीं है मेरे पास, पेन भी इसका उठाया मैंने खेलने के लिए, जाके बोल दूं मैं जो भाई भाई अपना वहाँ पे। पेन भी ले लिया अब इसमें, अब कुछ नहीं है, तबला बजाऊंगा टेबल पे यार मस्त। कॉलेज खत्म हो चुका है, प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, चलो बाय। 3:15 हो रहे हैं, 4 से मेरी शिफ्ट शुरू है। अब 4 शिफ्ट शुरू का मतलब ये है कि जो रिकॉर्डिंग टाइम है, आज लाइव स्ट्रीम है वैसे तो, जो भी लाइव स्ट्रीम का टाइम है वो थोड़ा लेटर ऑन होगा, 30-45 बाद का होगा, तो अगर मैं 10-15 लेट भी पहुंचता हूं, जो कि मैं पहुंचूंगा तो चलेगा, लेकिन भूख बहुत लग रही है यार, कुछ खाया नहीं है। आज भी मिला अपने वो प्रोटीन ब्रेकफास्ट बार, जिसको मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही खाऊंगा। I kinda enjoy it. On some Floyd shit, you never let these boys hit. भूख लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, अभी चलते हुए जाऊंगा, अभी 5-7 और लगेंगे। और जिस बिल्डिंग में मैं जा रहा हूँ वहाँ वाली बिल्डिंग में ना क्या है कि जो कैफे है वो 3 ही बंद हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो वो वाली बिल्डिंग में मिलता नहीं है खाना। पर देखता हूँ एक दुकान है वो वाली बिल्डिंग में, तो उस दुकान में देखता हूँ कुछ मिलता है ढंग का। तो कितना क्लियर वेदर हो रहा है आज, देखो एकदम साफ साफ समंदर दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है तुम्हें शायद ना दिख पाए, लेकिन ठंड इतनी हो रही है कि मेरा मुंह पूरा जम चुका है, तो मेरे को बोलने में भी डिफिकल्टी हो रही है, तुम सोच सकते हो। ओहो बड़ी ठंड हो रही है भाई साहब, पता नहीं ये ऐसे टाइप की ठंड है कि इतनी ठंड लगती नहीं है, पर इतनी हवा आ रही है ऐसे ठंडी ठंडी टाइप की, अलग टाइप की ठंड है यहाँ पे कम्पेयर टू दिल्ली। 4:07 हो रहे हैं, 5 से रिकॉर्डिंग शुरू है, तो मैं आधा घंटा है मेरे पास कि मैं खाने के लिए थोड़ा सा देख लेता हूँ इधर उधर, अगर इसी बिल्डिंग में कुछ मिल जाता है तो। भाई मैं एक चीटो उसका पैकेट ही ले लेता हूँ, और क्या करूँ, मैंने तो एक क्रिसॉन्ट भी ले लिया, प्लेन मिल जा भाई, एक चीटो उसका पैकेट हो गया, एक्स्ट्रा फ्लेमिंग हॉट क्रंची, साथ में एक क्रिसॉन्ट हो गया, साथ में मेरे पास प्रोटीन बार भी है, वो थोड़ी देर में खाऊंगा, अभी के लिए इससे पेट भर लेता हूँ, पहले खा लेते हैं आराम से, फिर चलते हैं थोड़ी देर में, 4:15 हो रहे हैं, अभी 15-20 खाता हूँ फिर जाऊंगा, 5 इवेंट शुरू होने में तो टाइम है। काफी स्वादिष्ट है, वेरी वेल मेड है, चीटोस बढ़िया है वाले ना, जरा एक्स्ट्रा फ्लेमिंग हॉट वाले, ये थोड़े ज्यादा मसाले वाले हैं, अच्छे है फिर भी। तो आज पहली बार मैं अकेले लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, तो लाइव स्ट्रीम ये वैसे किसी को करने नहीं देते, लेकिन देखो मैं तो एकदम हाईली क्वालिफाइड टाइप हूं, तो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं इसलिए अकेले। पूरा सेटअप कर दिया है मैंने यहां पे, हर चीज को होस्ट ओनली कर दिया है, लैपटॉप सेटअप है, कैमरा सेटअप है, इसमें वीडियो ऑन करूंगा तो आ जाएगी कैमरे की वीडियो, और माइक मैंने लगा दिया इनकी प्रेस फीड में, ये जुड़ते हुए इधर आ चुका है, तो ये माइक कहीं टेबल वेबल पे नहीं रखा है, ये प्रेस फीड लेगा, जो वो अपने माइक में बोलेंगे वहां पे उसकी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, और इससे ट्रांसमिट होके मेरे इस रिसीवर से जाके कैमरे में चली जाएगी, और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम तो हो ही रहा है। मैं इन सब इवेंट्स वगैरह में आता हूँ ना कॉलेज के, कुछ कुछ तो मुझे ऐसा लगता है अलग ही इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं भाई, ये लोग इतने डेवलप हो चुके हैं, अब ये लोग इतनी आगे पहुंच चुके हैं कि इन लोगों की अब बातें ही अलग होती है, डेवलप्ड कंट्री है ना इनकी, इसलिए सब इन मुद्दों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। काफी नए नए लोग देखने को मिलते हैं मुझे, उनकी बातें सुनने को मिलती है, बुड्ढे लोग हैं आज सब यहाँ पे कमरे में यार, ये देखो आज इनकी बातें सुनने को मिलेंगी मुझे, पर इतना इंटेलेक्चुअलिज्म भी नहीं जाना चाहिए भाई, पैसे कमाने बहुत जरूरी है, पैसे कमाओ। ये लोग तो डेवलप्ड देश में है ना, ये एकदम आइडियल सिनेरियो की बातें करते हैं, तो धरती से जुड़े रह के मेहनत करनी और काम करना और पैसे कमाना बहुत जरूरी है, यहाँ कहा ऐसे हवा में इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करनी है। हो रहे हैं और अब मैं निकला हूं। तकरीबन 1 लगा लो घर पहुंचने में लगेगा, फिर देखता हूं घर जाके क्या माहौल बनता है, या तो जिम जाऊंगा या पता नहीं शायद नहीं जा पाऊंगा क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और जिम बंद हो जाता है, तो देखता हूं क्या सीन है।